हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया हुआ था अपने सारे एग्जाम्स के, लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, और इस बार तो दिल्ली पुलिस का भी अपने कैलेंडर में उन्होंने विधिवत बता दिया है कि कब फॉर्म आएगा और कब उसका एग्जाम होगा। एसएससी जीडी का भी, सीपीएसआई का भी, सब कुछ उसके रिगार्डिंग। उन्होंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप करवाया, उसके एडमिट कार्ड भी आने शुरू हो गए हैं। एडमिट कार्ड में अभी केवल ये बताया जा रहा है कि आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। आगे कुछ दिनों में आपका एग्जाम डेट पता चल जाएगा और एग्जाम सिटी पता चल जाएगी। इसके बाद जब ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो मई और जून में, दोनों महीनों में मिला के आपका एसएससी सीएचएसएल भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और उसके बाद इसी बीच आपका एसएससी एमटीएस, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एमटीएस हवलदार ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। और इसमें अगर आप 10th की एलिजिबिलिटी रखते हैं मिनिमम, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आगे आप कितने भी आगे पढ़े हो तो उसको तो फिलअप कर ही सकते हैं। तो इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, आइए देखते हैं। एप्लीकेशन बिगिंस 22/3/2022, 22 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाना चालू हो चुका है। और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 30/4/2022, 30 तारीख तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद पे फी ऑनलाइन लास्ट डेट, अगर आप फॉर्म को भर देते हैं और फीस पेमेंट नहीं किए रहते हैं केवल, तो 2/5/2022 यहां तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन डेट आपको मिलेगा 5 तारीख से लेके 9 मई तक। उम्मीद करिएगा कि फॉर्म एकदम सही सही भरें, क्योंकि करेक्शन भले ही आपको मिलता है लिंक, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। और कोशिश करिएगा कि एक ही बार में आपका फॉर्म एकदम सही भरा जाए। तो अगर CBT एग्जाम डेट पेपर फर्स्ट की बात करें तो जुलाई 2022, यानी कि जुलाई के मंथ में इनका एग्जाम संभावित है। अगर इन्होंने जुलाई लिख दिया है तो ये SSC है, ये आगे पीछे नहीं होगा, ये जुलाई में एग्जाम हो ही जाना है। इन्होंने अप्रैल में लिख दिया था कि SSC CGL का एग्जाम लेंगे, और CGL का एग्जाम अप्रैल में होने चल रहा है। मई में लिखे थे कि CHSL लेंगे, तो मई में CHSL भी हो जाएगा, और जब जुलाई में लिख दिए हैं कि MTS होगा तो जुलाई में MTS भी ले लेंगे। ये आगे पीछे नहीं करते हैं, ये अपने कैलेंडर में जो लिख दिए उतना फॉलो करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं करने की, अगर कोविड वगैरह ना आ जाए कुछ तो। और अगर हम देखें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये फीस लगेंगे, SC ST के लिए कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, और आल कैटेगरी फीमेल, महिलाओं से SSC कभी पैसा नहीं लेता है। महिला जो होंगी वो एकदम फ्री ऑफ कास्ट SSC के किसी भी फॉर्म को, ना केवल इसको, किसी भी फॉर्म को फ्री ऑफ कास्ट फिलअप कर सकती हैं। और जो मोड होगा पे करने का, पे द एग्जामिनेशन फी थ्रॉट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड, यानी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से इसके फीस के पेमेंट को कर सकते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा गया है एज जो है वो SSC MTS हवलदार एग्जामिनेशन 2021 एज लिमिट एज आन 1/1/2022। ये जो एज आन 1/1/2022 लिखा गया है, इसका मतलब है कि 1/1/2022 को आपको एज की इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। इस तारीख को आप 18 साल से कम ना हो और 25 से लेके 27 साल से ऊपर ना हो। ये पोस्ट वाइज होता है, कुछ पोस्ट में 18 से 25 होता है, कुछ पोस्ट में 18 से 27 होता है। ये आप नोटिफिकेशन का फुल डिटेल PDF हम डलवा देंगे टेलीग्राम पे, आप उसको पढ़ लीजिएगा कि कौन से पोस्ट पे कितना एज लिमिट होता है। और एज रिलैक्सेशन जो जैसे मिलता है SSC मल्टीटास्किंग एंड हवलदार रिक्रूटमेंट रूल, उसके अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार वैकेंसी डिटेल, अगर वैकेंसी डिटेल की बात करें तो पोस्ट नेम, यानी कि जो आपका MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल का पोस्ट है वो अभी डिफाइन नहीं किया गया है, वो अवेलेबल सून लिखा गया है यहाँ पे। सून मतलब कि अभी आगे आपको बताया जाएगा कि इनके कितने पद हैं। और इसके लिए आपको क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको केवल 10वीं पास होना अनिवार्य है। और अगर बात करें हवलदार की तो इसके पोस्ट डिफाइंड हैं, 3603 पद हवलदार के आए हुए हैं। इसमें क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, इसमें भी आपको केवल 10वीं पास होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कुछ फिजिकल होंगे लाइक वॉकिंग, यानी कि जो दौड़ होती है हमारी, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर इन 15 मिनट, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है वॉकिंग, ये दौड़ना नहीं है, चलना है,
क्योंकि 15 मिनट में 1600 मीटर कुछ होता नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में जाना है। 1 किलोमीटर 20 मिनट में एकदम गाना गाते हुए आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक किलोमीटर ही जाना है और समय हमारे पास 20 मिनट है, एकदम आराम से जाएंगे तो भी इसमें कोई फिजिकल की तैयारी करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद इसमें होता है साइकिलिंग, मेल कैंडिडेट के लिए 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिलिंग करना है, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 3 किलोमीटर इन 25 मिनट, उनको 3 किलोमीटर जाना है 25 मिनट में। अगर हाइट एंड चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 76 से 81 लिखा गया है, यानी कि नॉर्मली 76 और जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है उसकी ज़रूरत होती है। और फीमेल जो है उनकी लंबाई जो है वो 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और आगे हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है हाउ टू फिल SSC मल्टीटास्किंग MTS हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2022, यानी कि अगर आप इस फॉर्म को भरने की इच्छा रखते हैं तो इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर पाएंगे। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आर रिलीज्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS नॉन टेक्निकल कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 22 मार्च से 30 अप्रैल तक, यानी कि 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन SSC अप्लाई ऑनलाइन फॉर MTS रिक्रूटमेंट 2021, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप इनके नोटिफिकेशन को विधिवत पढ़ लीजिएगा। और काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल्स, यानी कि जितनी भी डिटेल्स की आवश्यकता होगी उसको आप, जितनी भी इनकी बेसिक डिटेल है उसको आप एक जगह एकत्रित कर लीजिएगा। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म फोटो साइन ID प्रूफ ETC, और इन सब को आपको स्कैन करके, स्कैन डॉक्यूमेंट क्योंकि आपको अपलोड करने होंगे उसको ले लेना है। फिर बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, यानी कि आप सबमिट करने से पहले अपने सारे कॉलम को एक बार, उसको प्रीव्यू ऑप्शन आता है और आता है सबमिट, तो सबमिट पे बटन पे क्लिक करने से पहले आप प्रीव्यू पे क्लिक करिएगा और फॉर्म को विधिवत देख लीजिएगा, कहीं भी आपकी गलती ना रहे उसके बाद ही आप सबमिट करिएगा। और उसके बाद लिखा गया है टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म, उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट कर देते हैं, फीस पेमेंट कर देते हैं, तो वहाँ पे लिखता है कि टेक अ प्रिंट आउट, यानी कि प्रिंट आउट लिख के वहाँ पे आया रहता है, उस पर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। मन करेगा तो आप PDF रख लीजिएगा अगर आप सेफ रख पाएँ, और ना रख पाएँ तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अब अगर बात करें कि ये सब भरने के बाद जब आपका एलिजिबल होंगे CBT 1 के लिए, यानी कि Tier 1 के लिए, तो उसमें उसका सिलेबस क्या होगा। जो हमारा Tier 1 है, Tier 1 MTS के लिए, इसमें आपसे 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK GS। रीजनिंग से पूछे जाएंगे 25 प्रश्न, मैथ से पूछे जाएंगे 25 प्रश्न, इंग्लिश के पूछे जाएंगे 25 प्रश्न और GK GS से भी पूछे जाएंगे 25 प्रश्न, यानी कि चारों सेक्शन से आपको 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर निर्धारित होता है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और इसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाते हैं और 1/4 माइनस मार्किंग होती है। ये है आपका Tier 1 का सिलेबस। और जब आप Tier 1 क्वालिफाई करते हैं तो Tier 2 आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, जिसमें आपको एक एस्से लिखना होता है। एस्से आप अपनी जो भी ये संविधान में उल्लेखित भाषाएं हैं, आप उनमें से किसी भी भाषा में इस एस्से को लिख सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है आप किस भाषा में कंफर्ट महसूस करते हैं। तो अगर आप इतना क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो कृपया इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप दमदारी से पढ़ते रहिए, लगे रहिए। टेक केयर, जय हिंद।